वेलकम एवरीवन, माय नेम इज ज़ुवेरी अहमद एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे कि हमारी डाइट डेंटल केरीज की फॉर्मेशन में क्या रोल प्ले करती है। डेंटल केरीज यानी कि दांतों में कैविटी हो जाना, कीड़ा लग जाना एक डाइटोबैक्टीरियल डिजीज है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत प्रिवेलेंट है और पाकिस्तान में भी इसकी प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है। हमारी डाइट हमारे दांतों की हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसी तरह हमारे दांत हमारी डाइट की कंजम्पशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारे दांत हेल्दी नहीं होंगे या हमारे दांतों में दर्द होगी, कैविटीज होंगी, तो हम अपनी डाइट को अच्छी तरह च्यू नहीं कर पाएंगे और अपनी डाइट को अच्छी तरह कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी डाइट डेंटल केरीज को किस तरह प्रमोट करती है। हमारी डाइट में फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम जैसे ही खाते हैं हमारे सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज उनकी ब्रेक डाउन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सलाइवा की पीएच कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है और बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी यानी कि दांतों की डीमिनरलाइजेशन करवाना शुरू कर देता है। अब ऐसे फूड्स जिनमें फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं और जो केरीज की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं उन्हें हम कैरियोजेनिक फूड्स बोलते हैं। तो अब ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो कि कैरियोजेनिक हैं? तो सबसे पहले सुक्रोज, टेबल शुगर, सफ़ेद चीनी जो हम घरों में आम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा कैरियोजेनिक होती है। अगर आप घरों में दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों में चीनी डालकर इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्रूट और वेजिटेबल जूस में चीनी डालकर इस्तेमाल करते हैं तो वो इन सब चीज़ों को कैरियोजेनिक बना देती है। इसके अलावा ऐसे फल जिनका वाटर कंटेंट कम होता है यानी कि बनाना, जिनमें पानी की मकदार कम होती है, वो भी कैरियोजेनिक फूड्स होते हैं। इसके अलावा रिफाइंड ग्रेन प्रोडक्ट्स, मैदे और मैदे से बनी हुई चीज़ें, जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, वाइट ब्रेड, पिज्ज़ा, डोनट्स, पेस्ट्रीज, केक्स, ये सब भी कैरियोजेनिक फूड्स हैं। इसके अलावा चॉकलेट्स, कैंडीज, कुकीज़, बिस्किट्स, पोटैटो चिप्स, ये सब भी, और साथ ही साथ कस्टर्ड्स और पुडिंग्स भी कैरियोजेनिक फूड्स की एग्जांपल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैरियोस्टेटिक और एंटी कैरियोजेनिक फूड आइटम्स कौन से हैं, यानी कि ऐसे फूड्स जो हमें कैरी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे फूड्स में सबसे पहले प्रोटीन रिच फूड्स यानी कि एग, मीट, चिकन, फिश और इसके अलावा बटर, मार्जरीन, पॉपकॉर्न, नट्स और सीड्स, साथ ही साथ चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरियोस्टेटिक फूड आइटम है। अब हमने बात कर ली कि कैरियोजेनिक, एंटी कैरियोजेनिक और कैरियोस्टेटिक फूड आइटम्स कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपने कैरियोजेनिक फूड आइटम कंज्यूम करनी हो तो प्रिकॉशनरी मेजर्स आप क्या लेंगे। नंबर वन, अगर आपने कोई भी इस तरह की आइटम कंज्यूम की है तो आप उसके फौरन बाद जाकर अपना माउथ रिंस कर लें या फिर अपने दांतों को ब्रश कर लें। नंबर टू, आप कैरियोजेनिक फूड आइटम को एंटी कैरियोजेनिक या कैरियोस्टेटिक फूड आइटम के साथ कंबाइन कर लें, जैसे कि बनाना विद मिल्क, लेकिन आपने मिल्क में शुगर ऐड नहीं करनी। नंबर थ्री, अगर आपने कोई भी इस तरह की आइटम कंज्यूम करनी है तो आप उसको फौरन इकट्ठा कंज्यूम कर लें, बजाय इसके कि आप वक्फे वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करें, जिससे बैक्टीरिया को उसकी एक्टिविटी का ज़्यादा मौका मिलेगा। जैसे कि अगर मेरे पास चार कुकीज़ हैं तो मुझे चाहिए कि मैं चारों कुकीज़ इकट्ठी कंज्यूम कर लूं और फौरन जाकर अपना माउथ रिंस कर लूं या फिर अपने दांतों को ब्रश कर लूं, बजाय इसके कि मैं दो कुकीज़ पहले कंज्यूम करूं, फिर कुछ देर बाद मैं दो कुकीज़ और कंज्यूम करूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर न्यूट्रिशन कोच की ऐप पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।